नमस्कार दोस्तों, घरेलू अनबॉक्सिंग सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक इन्फिनिक्स के स्मार्ट बैंड को, जो मैंने अपनी मदर के लिए लिया है। तो ये इन्फिनिक्स का स्मार्ट बैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी मेरे मम्मी को इन्फिनिक्स का नोट 5 दिया था, जो एंड्रॉइड 1 वो स्मार्टफोन है। तो सोचा कि क्यों ना उनको ये देखकर वो देखा जाए कि आखिरकार कंपैटिबिलिटी इश्यूज सिर्फ इन्फिनिक्स के साथ हैं या और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, जिस प्राइस रेंज में ये आता है ये सही भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामने से ऐसे दिखता है, यहाँ पे साइड में आपका है इंपोर्टेड एंड मार्केटिंग बाय जी मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वगैरह। यूनिट एक यूनिट है, 1 स्मार्ट ब्रेसलेट एंड 1 चार्जर, 2499 का है, लेकिन अभी ये आपको फ्लिपकार्ट पे लगभग 1500 रुपये आसपास का पड़ जाएगा। और अगर आपको देखेंगे तो ये मेड इन चाइना है, इसका मॉडल है इन्फिनिक्स XB03, मॉडल इज XB03, अप्रैल 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है। एक्सपैंड 3 के जो आपके फीचर्स हैं उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इट इज़ मेड अप ऑफ 50% TPU, 40% PC, 10% एल्यूमिनियम अलॉय, मेड इन चाइना। इसमें आपका हार्ट रेट ट्रैकर का है, IP67 की वाटर प्रूफिंग रेटिंग है, 20 दिनों का बैटरी लाइफ है, अलार्म क्लॉक है, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग और स्लीप मॉनिटर भी है। ये एंड्रॉइड 4.4 और iOS 9.0 और ब्लूटूथ 4.0 या उससे अबव के स्मार्टफोन्स को और डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका जो IMEI नंबर या जो भी आपका IMEI तो फोन्स का होता है, ये स्मार्ट बारकोड है आपके स्मार्ट बैंड का, ये आपको दिया हुआ है। और चलिए फटाफट इस बॉक्स को खोल के देखते हैं। ये सर 2 या 3 दिन ये पहले आ गया था, शायद ये वीडियो भी आपको 2 दिन बाद ही मिलेगी क्योंकि आजकल थोड़ा सा आलसी वाला शेड्यूल हो रखा है। तो बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो आपको मिलता है ये, काफ़ी सिंपल पैकेजिंग है। ये रहा आपका स्मार्ट बैंड और ये इसका एक स्मार्ट ब्रेसलेट का यूज़र मैनुअल, जो कि मैं कभी नहीं पढ़ता लेकिन आप लोगों को पढ़नी चाहिए बिकॉज उससे आपको कई बार कई सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। ये है आपका स्मार्ट चार्जर जो कि आपके फ़ोन आपके इन्फिनिक्स के स्मार्ट बैंड के साथ आता है। और अब ये देख के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड क्यों हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे पास दूसरे चार्जर्स हैं, जो मेरे दूसरे इसके स्मार्ट ब्रेसलेट के चार्जर्स हैं वो इस टाइप के नहीं हैं। और आपको फ्लिपकार्ट पे मैंने बहुत पहले मैंने एक नॉर्मल सा स्मार्ट बैंड लिया था, उसमें भी यही टाइप का चार्जर था। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपको उसको हर जगह कैरी करना पड़ेगा, बस दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए मुझे गोकी का बैंड बढ़िया लगता है या जो मेरा MI बैंड 3 वो भी बढ़िया लगता है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप इतना तकलीफ दे नहीं है। चलिए एक बार बैंड को देखते हैं। स्ट्रैप फील्स नाइस, रोल मोड़ के देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी तक तो ठीक लग रहा है। ये आपका पीछे बैंड है, XB03 मेड इन चाइना। और यहाँ पे आपके जो स्मार्ट कनेक्टर है ये आपको लगेगा, बट प्रॉब्लम वही है कि आप अगर इसको लगाओगे तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, काफ़ी ऑकवर्ड प्लेसमेंट है इसकी। क्या ये बाहर निकल सकता है क्या? जी बिल्कुल, आपको उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा इस तरीके से बैंड को, फिर आपको इस तरीके से इसको चार्जिंग पॉइंट में या आप लोग देखिए ये तीनों पॉइंट्स को आपको चार्जिंग पॉइंट पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुद बहुत बड़ी मशक्क़त है। बाकी इन्फिनिक्स को अपनी फिनिशिंग में काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक सेकंड अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो पॉइंट लग गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये देखिए ये रबड़ की पैडिंग्स वगैरह अभी भी हैं यहाँ पर। आई थिंक इट इज़ अ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि मैं इन्फिनिक्स से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं उसके फ़ोन्स को एडवोकेट करता हूँ। नो डाउट बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स बना रहा है, पर चलिए एक उसको चार्ज करके देखते हैं। मैं अपने पावर बैंक को लेके आऊँगा और फिर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। वैसे अगर किसी तरीके से अगर मैं इसको देखूँ तो इसको ऑन करने के लिए मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो सकती हैं। यहाँ पर अगर मैं इस प्रोटेक्टिव फिल्म को रिमूव कर दूँ, लगभग ये 10 दिनों तक ये मेरी मदर के पास रहेगा, देन फिर मैं उनसे रिव्यू लूँगा क्या रहेगा और फिर आप लोगों को बताऊँगा। ये लेयर अगर मैं हटा देता हूँ तो ये इस तरीके से है, और अब इसमें ऐप वगैरह इंस्टॉल करके वो सब करके मैं आपको अगले एपिसोड में लेके आता हूँ, क्योंकि अब इसमें चार्जिंग बिल्कुल ज़ीरो है। मैं चार्ज करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी जो इससे जस्ट पहले जो आपको कैसियो की वीडियो आई है, कैसियो
एडिफिस स्मार्ट वॉच की, स्मार्ट वॉच से नहीं खैर वो एक आपकी क्रोनोग्राफ ड्यूल वॉच है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों फंक्शंस हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। अब अगर हम इस ब्रेसलेट के फंक्शंस को देखें तो इसके अंदर एक एक चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इन्फिनिक्स लाइफ ऐप हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी इस ब्रेसलेट को यूज़ करने के लिए। उसके बाद ये इसके फंक्शंस हैं, और इसमें आपका होम, स्टेप अकाउंट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, वेदर, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, होम पेज, मैक एड्रेस, पावर ऑफ इंटरफेस, और जो भी आपका स्टेप काउंट, कैलोरी कंजप्शन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, मेजरिंग हार्ट रेट रिजल्ट्स, बीपी भी है इसमें। अब ये चेक करना पड़ेगा बिकॉज गोकी के बैंड में हमने ये देखा था। दूसरा, एक मैंने DT नंबर 1 की एक स्मार्ट वॉच मंगवाई थी चाइना से जो कि 3G सिम को सपोर्ट करती है, उसमें भी हमने ये देखा था, तो तीनों को कंपेयर करेंगे। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कैसे होगा ये देखना पड़ेगा, ये काफ़ी नई चीज़ है। और फिर ये तो बिल्कुल, ये तो माता जी को देने लायक है बिकॉज उनके पास इससे पहले गोकी का बैंड था, अनफॉर्चुनेटली वो उतना काम नहीं करता, वो बार बार अनलिंक हो जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है और ठीक है या नहीं। 1500 रुपये में आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 1500 नहीं, ये 1299 का पड़ा है। हाँ, तो अपना ख्याल है कि दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।